बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मोहम्मद फारूक यासीन फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिकैंत। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन के एक अहम टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये टॉपिक इस साल पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेटमेंट क्या है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ एन अगर आपके कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो जो उनका टोटल मोमेंटम होता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या होता है? हमेशा सेम होता है। इन अदर वर्ड्स, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम और कंजर्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज आइसोलेटेड सिस्टम? अ सिस्टम इन विच बॉडीज एग्जर्ट फोर्स ऑन वन एनदर बट द सिस्टम इज नॉट act upon by external force is called isolated system। इस लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है जो अभी हमने प्रूव करनी है वो क्या है? m1v1 + m2v2 = m1v1 + m2v2। इट्स मीन द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी। ओके, वी विल स्टार्ट नाउ। We consider an isolated system of two bodies A and B of masses m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2 respectively such that u1 is greater than u2. After collision the velocities become v1 and v2. हमने दो बॉडी सपोज की, बॉडी ए थी जिसका मास m1 था, एक बॉडी बी थी जिसका मास m2 था। बॉडी ए वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है, बॉडी बी वेलोसिटी u2 से मूव कर रही है। कुछ देर बाद ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 क्या होती है? खैर, आप एक टॉपिक पढ़ा है मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन इज नोन एज मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो मोमेंटम निकालना है आपने बॉडी ए का टकराने से पहले, क्या कहलाएगा? m1 u1 होगा। बॉडी m2 का क्या होगा? v2 का क्या होगा? m2 u2 होगा। टकराने के बाद बॉडी ए का मोमेंटम होगा m1 v1 और बॉडी बी का मोमेंटम होगा m2 v2। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 + m2 u2। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या लेंगे? टोटल फाइन मोमेंटम m1 v1 + m2 v2। ओके, अब हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन बॉडी m1। बॉडी m1 अपने ऊपर कितनी फोर्स फील करेगी टकराते वक्त? आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F=ma, जिसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, बट एफ इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। वेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। सो F=ΔP/T। डेल्टा पी क्या कहलाएगा? PF - PI। बॉडी m1 की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u1। फाइनल क्या थी? v1। सो फाइनल मोमेंटम क्या कहलाएगा? m1 v1 और इनिशियल क्या होगा? m1 u1। माइनस साइन ऐसी आ जाएगी, डेल्टा टी ऐसी आ जाएगी, क्लियर। इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑन बॉडी m2। बॉडी m2 की बात करें तो सेम फॉर्मूला F=ΔP/T। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। सो F=PF - PI/T। बॉडी m2 फाइनल वेलोसिटी v2, इनिशियल वेलोसिटी u2। सो PF बराबर आएगा m2 v2 के और PI बराबर आएगा m2 u2 के। डेल्टा डी ऐसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स आ गई बॉडी m2 की और से पहले हम बॉडी m1 की फोर्स निकाल चुके हैं। अब हम अप्लाई करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इन अदर वर्ड्स एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। यानी कि दो बॉडीज जब टकराती हैं, ठीक है, तो उनकी फोर्स जब टकराते फोर्स क्या होगी? सेम होगी, मगर डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। सो वी कैन राइट F=-F2 और आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनस एन यहाँ लगाने पड़ती पड़ता। एफ एन निकाल चुके थे, m2v2 - m2u2/∆t, इसका हम ये फोर्स डिफाइन कर चुके थे। अब यहाँ क्या होगा? ΔT से ΔT क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा, एक स्टेप मैंने यहाँ शो नहीं किया, डायरेक्ट किया, माइनस प्लस माइनस माइनस का m1v1 आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये m1u1 हमने ऐसे लिख दिया, ये माइनस था वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपके पास m2v2 प्लस में आ रहा है, ये माइनस का आएगा, m1v1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का आ जाएगा। क्यों लिखा हुआ है m1u1 + m2u2? ये लिखा हुआ है m1v1 + m2v2। तो ये क्या कहलाएगा? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यूनिट मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या था, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर क्लूजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर क्लूजन.